कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह पर निशाना साधा है। अनिल शर्मा का कहना है कि जो नेता उन पर मलाई खाने के आरोप लगा रहे हैं उन्हें खुद मलाई खाई है। अनिल शर्मा ने कौल सिंह से ये भी पूछा कि मंत्रिमंडल में कौन सी मलाई मिलती है, जरा इस बारे में खुलासा किया जाए। अनिल शर्मा ने अपना नामांकन भरने के बाद ऐतिहासिक शहरी मंच पर उमड़े हजूम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। अनिल शर्मा ने पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन दाखिल किया और शक्ति प्रदर्शन करके ये जताने का प्रयास किया कि भाजपा में उन्हें पूरा मान सम्मान मिल रहा है। इस मौके पर अनिल शर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके पिता सुखराम और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनिल शर्मा और जयराम पड्डल मैदान से मंडी रैली की शक्ल में मंडी शहर पहुंचे और शहर का चक्कर काटने के बाद शहरी मंच पर एकजुट हुए। अनिल शर्मा ने एलडीएम सदर के पास अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद शहरी मंच पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि वे 5 वर्ष मंत्री रहे हैं तो उन्होंने विकास ही करवाया है। यहाँ कांग्रेस के अंदर चंद लोगों का राज रहा, ये भी कहा गया कि 5 साल मलाई खाई। यहाँ पर मैं नेता को बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के अंदर यदि मंत्री था मैं मलाई खाने नहीं आया था। मलाई खाने कैसे खाई जाती है और जो मलाई खाने वाले बताए उन्हें पर्वी को मालूम होगा कि किस तरह की मलाई मंत्रिमंडल मिलती है। मैंने यहाँ पर लोगों के काम करने के लिए यहाँ पर था। आज मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोग आज एक लोग होकर जो है चुनाव के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि इस बार सदर विधानसभा क्षेत्र में आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि इससे आत्मसम्मान के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सदर के विकास में न पहले कभी कमी रखी गई और न भविष्य में कमी रखी जाएगी। आज इस बात को लेकर हम इतने हैं कि आत्मसम्मान जिस पार्टी में नहीं हो उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। सभी जानते हैं जिस तरह से आदरणीय पंडित सुखराम जी को अपमानित किया गया और आज ये समय आ चुका है कि हमें बता देना है कि इलाका हमारा सभी चुनाव हल्का एकजुट होकर जो आज एक रहा कार्यकर्ता। मुझे उम्मीद है आज के बाद आप लोग लगातार चुनाव तक सारे दमखम के साथ अपने पंचायतों में जाएंगे